Hello, it's me, long time no see. This is episode 109 of the Gincast. और 110 किस्तें होने वाली हैं और हम अपने इस काम पे चल रहे हैं और अभी तक चल ही रहे हैं और सब तो सबमिशंस भी आने लगी हैं। कुछ लोगों को एतराज़ है कि उनकी स्टोरीज नहीं आ रही, चल रही, लेकिन वही बात है कि जिन लोगों की ऑलरेडी 5-6 स्टोरीज आ चुकी हैं तो उनको थोड़ा सा गैप तो देना पड़ेगा क्योंकि और भी लोग हैं। तो खैर वो एक अलग स्टोरी है। प्लस फिर ये भी एक फैक्टर होता है कि जो चीज़ें रिपेटेटिव होती हैं, लेकिन जैसे बकरे वाली स्टोरी आपने सुनी होगी और वो काफ़ी लोगों के साथ इंसिडेंट हुआ है, तो अब हर किसी की सेम स्टोरी है, 19-20 फर्क होता है लेकिन स्टोरी क्रक्स सेम होता है। तो अब वही बात है ना, एक ही चीज़ रिपीट पे तो नहीं कर सकता ना कि मैं एक बंदे ने वही चीज़ सुनाई फिर दूसरे ने फिर तीसरे ने चौथा है, रिपेटेटिव हो जाता है। तो या एड्रेस सबकी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन इस बात का भी ज़रा ख्याल मुझे रखना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली जिसकी स्टोरी है उसके लिए तो यूनिक है, लेकिन अब वही बात है कि दुनिया और आवाम उन्नास ने जब वो चीज़ सुनी भी ऑलरेडी तो उसके लिए दोबारा वही चीज़ सुनना कोई ख़ास मज़ेदार बात नहीं है। खैर वो सब ठीक है और लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। तो जनाब आज की पहली कहानी जो आ रही है वो नूरिया साहिबा ने भेजी है। ये कहती हैं कि मैं यूएसए में वर्जीनिया में रहती हूँ और ये पिछले हफ्ते की कहानी है कि ये एक अपार्टमेंट में रहती हैं जो 3-बेडरूम अपार्टमेंट है। इनका जो रूम है उसके बराबर में ही इनकी बहन का रूम है। अब ये कहती हैं कि रात के 2 बज रहे थे और ये मतलब सो रही थी और इनका मुंह जो था वो दीवार की तरफ था, बेसिकली गनूदगी या वाला स्टेज था, बिल्कुल ही सोई नहीं थी। और बिल्कुल सर्दियों की रात है, वैसे ही आपको पता है मतलब ठंड तो शुरू हो गई, तो ये मतलब बिल्कुल सन्नाटे मतलब चल रहा था, खामोशी चल रही थी और इनको एकदम से एक आवाज़ आने लगी जैसे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। अब इन्होंने तो इग्नोर किया सोच के शायद मेरा वहम है, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद इनको एहसास हुआ कि नहीं, कोई जानबूझ के ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। और 2-3 दफ़ा के बाद जब इनको ये आवाज़ कंसिस्टेंसी के साथ आने लगी तो ये उड़ गई, और मतलब उड़ के इन्हें इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था और हर जगह सन्नाटा था। हत्ता कि बकौल इनके खिड़की से मतलब बाहर सड़क पे नज़र पड़ी तो वो भी खाली थी। अब इसी तरीके से ये बिल्कुल मतलब देख रही थी और फिर ये नोटिस किया कि जो आवाज़ आ रही थी वो इनके कमरे से आ रही है, वो कहीं और से नहीं आ रही। तो जो ये सोच रही थी कि शायद बाहर कोई खड़ा हो ये कर रहा है कमरे के, वो भी नहीं था। अब 4थी दफ़ा जब इनको ये आवाज़ आई तो ये कहती हैं कि इनकी जो सिस्टर है, इनकी बहन बराबर वाले रूम से वो उठ के बाहर आ गए और इन्होंने उनसे बेसाख्ता पूछा कि क्या तुम्हें कोई आवाज़ आ रही है, जिस पे उसका जवाब था हाँ। अब जब ये क्लैरिटी आ गई कि इन दोनों लड़कियों को कोई इस तरह की एक स्ट्रेंज आवाज़ आ रही है और ऊंची ऊंची सांसें कोई ले रहा है, तो इन लोगों ने साथ मतलब रात सोए क्या, मतलब डर के मारे साथ ही बैठे रहे और किसी तरीके से वो रात काटे। अब ये कहती हैं कि ये बात उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ी शॉकिंग बात है कि जिनकी एक और कज़न है, एक हफ्ते के बाद उनके साथ भी एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ है और इनको मतलब समझ में नहीं आया कि ये क्या माजरा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अगेन माजरा तो हम भी नहीं बता सकते, लेकिन कोई गुजर रहा था शायद और वो तफरी ले रहा है आप लोगों की। तो बहरहाल ये तो एक हम तो सोच रहे हैं ना कि इनोसेंट सा इनकाउंटर है और इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो थैंक यू अगेन फॉर सेंडिंग इन योर स्टोरी। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं राशिदा साहिबा की। और वालेकुम सलाम राशिदा साहिबा। और ये पिशिंग से हैं और एक छोटे गांव
उससे ताल्लुक है इनका, बलूचिस्तान में। और ये बात कर रही हैं जब इनकी वालदा ने अराउंड 1960s के अंदर जब इन लोगों ने मकान ख़रीदा था जो कि बहुत बड़ा था, 12 कमरे थे उसमें और काफ़ी बड़ा सहन था और अंदर का सहन कच्चा था और इस तरह का सिलसिला था काफ़ी। तो अब ये कहते हैं कि जब वो मूव इन करने के लिए जब वो जगह खरीदी गई और देखी गई तो अंदर जो सहन था वो कच्चा था, तो काफ़ी घास वगैरह निकली हुई थी। तो उसको जब काटा गया तो कुछ रहने के काबिल बनाया गया और ये लोग वहाँ शिफ्ट हुए। तो वहाँ के इलाके के लोगों से पता चला कि ये मतलब इस घर में पहले कुछ सीख रहता था और उसको यहाँ मारा गया है, और भी लोग आए और मतलब सिखों की वो मारा गया है और ये पार्टीशन के टाइम की मतलब इसे ये खाली है और इस तरह की कहानियाँ इन्होंने सुनी। और एक ख़ास एक कहानी थी कि एक सिख था जो कि अपना सोना लेके जा रहा था तो उसके पहले दोनों हाथ काट दिए, मतलब उस पर जब अटैक हुआ तो उसके हाथ कट गए। तो उसने फिर अपना जो माल था उसको किसी तरह अपने दामन में रख के मुंह से फंसा के भागने की तो उसके गर्दन पे भी वार हो गई थी और फिर वो मर गया। ये सब स्टोरियां इन लोगों ने सुनी और मतलब एक माहौल तो था, लेकिन इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं गया दिया कि मतलब ऐसा कुछ अनहोनी किस्म का यहाँ पे कुछ होगा। ट्रेजिडी जो हुई तो हुई वो पुराने दौर में, लेकिन अब तो ये खाली घर है, इसके अंदर रहेंगे मतलब तो चीज़ें सही हो जाएंगी। अब ये कहते हैं जब वो घास वगैरह कट गई सब कुछ साफ हुआ तो सहन में एक पुरानी लकड़ियों की एक सीढ़ी भी पड़ी हुई थी और इनकी वालदा ने इनको इन बच्चों को कहा हुआ था कि इसके पास नहीं जाना, क्योंकि ये कहते थे कि उसके पास जाओ तो एक अजीब सी उसमें आवाज़ें उस तरफ से आती थी। और वो ये कहा जाता था कि उसमें से घुंघरू टाइप की आवाज़ें आती थी और इनकी वालदा ने बेसिकली उस सीढ़ी पे कभी कटे हुए हाथ भी देखे थे और एक दफ़ा ऐसा भी एक चीज़ देखी थी कि कटे हुए हाथों ने एक सर उठाया हुआ है। अब ये कहते हैं जी कि रात को ये लोग जाहिर सी बात है सहन में ही सोते थे तो चारपाई मतलब बिछती थी उस पर सोते थे, तो रात को ये कहते हैं कि चारपाई हिलती थी तो इनकी वालदा इनको कहा करती थी कि कुछ भी नहीं है सो जाओ, खैर ये ऐसे ही मतलब ये लोग कहते थे कि कोई हिला रहा है तो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं सो जाओ कुछ भी नहीं। अब ये कहती हैं कि इनकी वालदा को एक दफ़ा ख्वाब आया और ख्वाब में उन्होंने वही सर देखा जो कि इनको नजर आया था उस सीढ़ी के पास, और उसने इनको कहा कि फला फला इस घर की जगह पर खून बहाओ तो तुम्हें खजाना मिलेगा। अब ये सुनने के बाद इन लोगों ने वो घर छोड़ दिया क्योंकि उस घर में ऑब्वियस सी बात थी कि कुछ एक नहुसत या कुछ थी, और उसके बाद ये लोग शिफ्ट हो गए। लेकिन ये कहते हैं कि वो घर आज भी बिशीन में मौजूद है और वो घर आज भी ठीक नहीं है और जो वहाँ रहता है उसकी खैर नहीं होती। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं भूपिंदर की। ये बताते हैं कि ये बेसिकली इनका ताल्लुक पंजाब इंडिया से है लेकिन ये पले बड़े हैं मिडिल ईस्ट, खासकर बहरीन में, और अब तो ये खैर कनाडा में होते हैं। और ये अपनी एक कहानी बताते हैं जो इनके साथ हुई जब ये तीसरी दूसरी तीसरी ऐसी जमात में थे, 7-8 साल के थे। अब इस कहानी से बेसिकली ये एक आइडिया होता है कि जब चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है या कुछ इस तरह की चीज़ होती है ना कि बचपन में कोई डर जाए तो इसके इफेक्ट बड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। लेकिन बहरहाल वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। गेटिंग बैक टू द स्टोरी, ये बताते हैं कि इनके वालिद के जो एक कोलीग होते थे और बड़े अच्छे थे और मतलब फैमिली फ्रेंड्स वाली बात थी, तो उनके घर अक्सर जाना आना होता था वगैरह वगैरह मतलब चलता रहता था। तो उनकी जो वाइफ थी उनकी बेसिकली वो फादर की डेथ हो गई और ये लोग सारे मतलब इंडिया चले गए और वो अंतिम संस्कार वगैरह जो होता है वो सब कुछ करने के लिए। और उसके बाद जब बहरीन वापस आए तो इनकी वालदा गई उनसे मिलने के लिए और ताज़ियत करने के लिए, तो
उसके बाद मतलब ये घर आई तो उसके बाद से कुछ घर का माहौल अजीब सा हो गया। अब वैसे ये घर में चार लोग थे, यानी इनके फादर मदर और ये बहन भाई, जिसमें ये बड़े हैं और भाई छोटी बहन है। तो एक इनका कहना ये था कि घर में दोपहर तक सिर्फ वालदा होती थी और बाकी जाहिर सी बात है फादर जॉब पे चले जाते थे और बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो इनकी जो मदर है वो घर पे अकेली होती थी टिल जब तक बच्चे ना आ जाए। अब ये कहते हैं जब से वो आई वापस ताजियत करके और मिलके उन आंटी से उन खातून से, उसके बाद से इनको ऐसा महसूस होने लगा कि घर में कोई है और ये अकेली अब नहीं होती जब घर में कोई ना हो। तो ऑल दो ये बड़ा स्केरी सा सिचुएशन था, लेकिन बहरहाल चलता रहा, इग्नोर होता रहा, ये फीलिंग जो होती है इसको सहा गया। लेकिन अब कॉन्स्टेंटली एक फीलिंग आने लगी थी कि कोई चीज़ हर वक्त उनके पीछे खड़ी रहती है और वो अकेली नहीं होती, लेकिन वहम समझ के छोड़ दिया गया। और फिर कुछ अरसे अच्छा आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये चीज़ जब बढ़ने लगी तो इनकी वालदा को घर में मूवमेंट और चीज़ें नज़र आने लगी। अब जब ये बकौल इनके कि जब लोग सब घर पे होते थे तो तब तो कोई मसला नहीं था, लेकिन जैसे ही ये अकेली होती थी तो कुछ ना कुछ इशू होता था। जैसे कि एक दफ़ा ये सुबह सुबह 4-5 बजे सूरज निकलने से पहले उठी नहीं थी तो किचन की खिड़की में से एक औरत का साया दिखा। जब इन्होंने अपने मतलब शोहर को यानी इनके फादर को उठाया और कि भाई यहाँ कोई है, तो चेक करने गए तो वहाँ कोई भी नहीं था और इग्नोर कर दी गई बात कि ये शायद लाइटिंग वगैरह की वजह से इसको वहम मतलब सर पे ना सवार किया जाए। अभी कहते हैं ये इंटेंसिटी जो है इसकी बढ़ना शुरू हो गई और कभी रूम में बैठे बैठे मतलब ये ऐसा होता था कि इनको नजर आता था बाहर कोई घूम रहा है, या कि इनको किचन से औरत कोई जाते हुए नजर आती थी, या फिर हॉल में कोई घूमती हुई नजर आती थी। और अगेन बात वो थी कि नेगेटिविटी वाली बात एक आने लगी थी, उनको अजीब किस्म के ख्वाब भी आते थे, अजीब जैसे कि मतलब इनके बच्चों के साथ कुछ बुरा हो रहा है या कोई अजीब से लोग जो हैं वो पुश कर रहे हैं घर में घुसने के लिए और ये फाइट कर रहे हैं। अब ये जब बढ़ता गया मामला और फिर औरतों का नज़र आना और फिर इस तरह की चीज़ें होना और ख्वाब आना बार बार, तो फिर एक सयाने को कांटेक्ट किया गया, यानी कि किसी आलिम को। तो एक जो ये सयाने जो की जो बात कर रहे हैं, इन पार्टिकुलर ये कराची से थे, अब तो है नहीं, इनका इंतकाल हुए भी 6-7 साल हो गए। तो इन्होंने कुछ मतलब की चीज़ें चेक की, पता किया, तब इनको पता चला कि जिस दिन ये उनके घर गई थी तो उस दिन ये वापस अकेली नहीं आई, साथ में कुछ आया है और कुछ है प्रॉब्लम, और मतलब वो चीज़ जो है उनको परेशान कर रही है। अब क्योंकि ये अच्छे टाइम मतलब घर पे होती थी तो ये एक आइडियल टारगेट थी, मतलब घर पे अकेले एक कंसिडरेबल टाइम इनका अकेले गुजरता था। तो पहले दिन से लेके मतलब ये कहते हैं कि जब गई थी और वहाँ से वापस आई तो वहाँ से क्या कहते हैं ये चीज़ साथ आई, और जितनी दफा ये उनके घर जाती उतनी वो चीज़ ताकतवर हो जाती है। अब पहले तो इनको इस चीज़ का इल्म नहीं था, लेकिन अब जब से ये पता चला तो उन्होंने भी बताया कि जब उनके घर जाओ वापस निकलो तो एक अजीब बेचैनी और घबराहट भी हो रही होती है। तो शक तो था, लेकिन अब चीज़ ऐसी बात है क्लैरिटी आ गई कि ये कुछ मसला तो है। अब क्योंकि ये वो जो आदमी जो इन्हें लिस्ट किया था वो सयाना जो था, उसने इनको कहा कि टाइम लगेगा लेकिन उनके यहाँ जाना आप लिमिट करें, कोशिश करें कोई काम हो तो घर ना मतलब एंटर ना हो, बारिश कर लें और कोई खाने पीने की चीज़ वहाँ की ना खाएं, और इस तरह का कुछ लिमिटेशंस डाली कि मतलब आप उनसे कतई ताल्लुक ना करें लेकिन थोड़ा सा अपने आप को लिमिट करें कि जो भी चीज़ है वो उधर से एक तकवियत हासिल कर रही है वहाँ आने जाने से, क्योंकि बहुत पुराने लोग थे।
जानने वाले और मतलब दोस्ती थी एक घर, तो वो एक अलग इशू था। तो ये चीज़ बहुत ही खामोशी से हो रही थी, किसी को कुछ पता नहीं था। बकौल इनके कि ये भी बच्चे थे तो इनको शायद इसीलिए स्टोरी नहीं बताई गई, ऑल्दो इनको अंदाज़ा हो गया था कि कुछ हो रहा है और इनको डर भी लग रहा था। और वही बात कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें जब होती हैं घर में तो फीलिंग तो सभी को पता चल जाती है कि कुछ मामला ठीक नहीं है। अब ये कहते हैं कि जी उनके सेशंस होने लगे सब कुछ, तो उन्होंने कुछ पढ़ावा पानी दिया कि इसको पिया करें और इसको घर पे दीवारों पे छिड़कें, और इन सब हिदायतों के बाद से मतलब कुछ हद तक बेहतरी आने लगी। और वही उनको लिमिट करके रखा होता, और अगर उनसे मुलाकात करनी है तो आप वो पानी पी के जाएं, वापस आके पिए, एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये सिलसिला इनका इस तरीके से थोड़ा बेहतरी की तरफ चलने लगा। अब कहते हैं कि जी फिर कुछ सेशंस जो थे उस चीज़ को भगाने के लिए उनको उनके घर पे आके करने पड़े। अब जब वो घर पे आके उन्होंने किए तो बकौल उनकी कि वो जो भी चीज़ थी उस चीज़ को इन्होंने काबू कर लिया है और उसको वो समंदर में जाके फेंक देंगे ताकि वो यहाँ से चली जाए। इनकी फिर उसके बाद एक मतलब ज़िंदगी में सुकून आया और जान छूट गई, लेकिन वो पढ़ावा पानी और ये सारा सिलसिला काफ़ी लंबे अरसे तक इनका सिलसिला चलता रहा, और एक आदत बन गई थी कि ऐसा क्या कहते हैं है। जिन जानने वालों के यहाँ से वो चीज़ आई थी, अब उनके यहाँ एक अजीब हालत होना शुरू हो गई थी कि बड़ी गुर्बत थी और मतलब कारोबार में काम जो ये करते थे तरक्की नहीं थी उसमें, और बहुत ही मीगर पोजीशन थी, जबकि भाई तो ये हाईली क्वालिफाइड आदमी था। और अजीब सी घर में से हमेशा स्मेल आती थी और गंद कचरा फैला होता था, लेकिन इफेक्टिवली वो भी शायद इस चीज़ को बैटल कर रहे थे और इनको बताना नहीं चाहते थे। तो वो भी वो घर छोड़ के जब गए तो उनके हालात बिल्कुल ही चेंज हो गए और चांदी हो गई बकौल इनके। अब ये जो बता रहे हैं बेसिकली अपनी बात कि ये जो इन्होंने सहा और देखा, और वो एक डर कि कोई घर में है, कोई घूम रहा है, कोई फिर रहा है और इस तरीके की चीज़, उसके बाद इनका ये हाल हो गया था कि ये अकेले सोने में भी प्रॉब्लम थी और काफ़ी अरसे तक ये सिचुएशन थी कि दीवार से टेक लगा के सोते थे ताकि वो जो ब्लाइंड एंगल होता है जो पीछे आपको पता नहीं है क्या हो रहा है ऐसा ना हो, और कोशिश इनकी होती थी कि जहाँ भी बैठे घर में तो इनका कोई सामने हो ताकि अकेला ना हो। लेकिन काफ़ी मुश्किल से इस डर को इन्हें निकाला जब ये वापस इंडिया गए और एक माहौल चेंज हुआ और बहुत सारे लोग मतलब आपस में मिलते रहते रहते, तो फिर सिचुएशन चेंज हुई। तो कहने का मकसद ये था कि इस तरह का जो इवेंट्स होती हैं वो छोटे बच्चों के ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट करती हैं इनके मेंटल वेलफेयर पे और हेल्थ पे, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो किसी इस तरह की इवेंट से कोई प्रॉब्लम में ना चला जाए। तो खैर थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द स्टोरी। और आगे हम बात करते हैं रामिश साहब की, और रामिश साहब ने पहले भी हमें लिखा और बताया कि ये नर्सिंग के अंदर बीएससी कर रहे थे और सब कुछ, तो वही फैसलाबाद में है और इस तरह का तो एक जगह अटैचमेंट थी इनकी, तो वहाँ एक मतलब काम कर रहे थे। और एज ए सेड बिफोर कि इनकी ड्यूटी एक आईसीयू में थी जिसके बराबर में एक कोविड वार्ड था जो कि बंद पड़ा हुआ था, और उस वार्ड में जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है बंद पड़ा हुआ है और अगेन वहाँ किसी को कोई काम नहीं। तो इसी तरह ये ड्यूटी करते थे, तो बकौल इनके कि अजीब सी बातें पेशेंट्स अक्सर करते थे, जैसे कि वो मुझे लेने आ गया, जो पंखे पे की तरफ देख रहे बोलने मेरे बच्चे आ गए, इस तरह की बातें। ऑब्वियसली इट गोज विद द टेरिटरी, और इस तरह की चीज़ें इन्होंने बहुत देखी हैं, तो इस लिहाज से ये काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल हो गए थे कि सोचते नहीं थे ज़्यादा इस बात पे और काम पे फोकस ज़्यादा होगा। अब ये कहते हैं कि जी हम कुछ पेशेंट्स को मॉनिटर कर रहे थे और सब कुछ चल रहा था और काफ़ी देर हो चुकी थी और रात के 3 बज रहे थे, तो इनके जो
कैबिन्स हैं सोने के लिए, तो ये उड़ के वहाँ गए, तो जो कैबिन है वो बेसिकली जो एक ब्लर किस्म के शीशे की दीवार बनी हुई है जिसपे बस ब्लरिंग के लिए कुछ लगाया हुआ है, या वो शीशा पता था खुद एक ब्लर है, तो शक्ल सूरत नज़र नहीं आती, बस पता चलता है कि कोई बंदा बाहर से जा रहा है आ रहा है, और उसने किस कलर की चीज़ पहनी हुई है, जो भी पहनी हुई है, और ये अंदर मतलब लेटे में तो उसी तरीके से अंदर भी नज़र आता होगा कि कोई है। तो ये वहाँ लेटने गए और सर्दियों का टाइम चल रहा था, तो इसी तरीके का ये कैबिन में लेटे, तो इन्हें देखा कि कोई मरून का मतलब ये बिल्कुल लेटे हुए थे और सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सर्दी इनको लग रही थी और इनको कोई ब्लैंकेट या कोई लिहाफे कुछ मिल नहीं रहा था, और थक चुके थे, तो वहाँ लेटे हुए थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि ऐसा कि जैसे बाहर जो है कॉरिडोर में बाथरूम से कोई निकला और इनके कैबिन के सामने से गुजरा, तो इन्होंने नोटिस किया कि कोई खातून है शायद, तो ये उन्होंने मरून कपड़े पहने हुए और उस तरफ से जा रही हैं, तो ये इनको लगा कि इनकी जो दूसरी एक कॉलीग हैं जो ड्यूटी पे हैं वो शायद ये सोने आए हैं, तो ये सो के उठ के गई होंगी, तो उसके पीछे मतलब पहले आवाज़ दी नाम लेके कि भाई वो ब्लैंकेट कहाँ है और मतलब सोने मतलब सर्दी लग रही है मुझे वो चाहिए, लेकिन क्योंकि कोई जवाब नहीं आया तो ये उठ गए और दरवाज़ा खोला कैबिन का, तो वो जो हॉल था उधर से वो शख्स बाहर निकल गया जहाँ वो कैबिन्स थे, तो ये उनके पीछे गए, तो दरवाज़ा खोला तो इन्होंने देखा कि वो उस कॉरिडोर में है जहाँ सामने आईसीयू है और उसी के ऑपोजिट जो है उसी मतलब दरवाजे पे कोविड वार्ड था, तो वो जो मरून कपड़ों में साहिबा थी उन्होंने कोविड वार्ड का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई, अंदर आगे जाके एक और दरवाज़ा था उसके सामने, अब ये मतलब आवाज़ देने लग गए और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद इन्होंने जाके आईसीयू का दरवाज़ा खोला पूछने के लिए कि भाई वो फला यहाँ मतलब क्योंकि वहाँ जाना ऑफ लिमिट्स था, तो वो खातून जो है वो कौन है और आवाज़ दे रहा हूँ ये मतलब जवाब नहीं दे रही, जिस पर लोगों ने थोड़ा कहका मारा भाई कौन सी खातून देख रही है ये वो, तो इन्होंने कहा कि वो कोविड वार्ड की तरफ गई है ऐसे वैसे, तो थोड़ा सा और इनकी बेसिकली टेक ली गई और इनको बोला ऐसा कुछ नहीं है और क्या कहते हैं वहाँ जाना मना है और वहाँ कोई भी नहीं गया, इस तरह की बातें की, उनको थोड़ा सा डिस्करेज किया कि यहाँ कोई नहीं आया तुम्हें तो पता नहीं कौन नज़र आ रही है लाल कपड़ों में और ये वो, तो अब ये सारा जो इनका मजाक उड़ा और ये बाहर निकला है वापस, तो इन्होंने देखा कि वो खड़ी हुई है वहीं पे अंदर जाके, तो इन्होंने गुस्से में थोड़ा सा उसको टॉन्ट करना शुरू किया कि आप हैं कौन और यहाँ क्यों खड़ी हैं और क्या काम है आपका यहाँ, तो वो इन्होंने नोटिस किया कि भाई मतलब खातून है लंबे बाल हैं ये वो वगैरह, उल्टे वो बैक साइड थी उसकी तो शक्ल नज़र नहीं आ रही और वो एक दरवाजे को फेस करके खड़ी हुई है जो कि खोलेगी तो मजीद अंदर उधर वार्ड में चली जाएगी, अब ये जब क्योंकि वो जवाब नहीं दे रही थी तो ये थोड़ा सा गुस्से में आ गया कि मतलब वार्ड खोल के अंदर घुसी चली जा रही है, हम लोग ऑन ड्यूटी हैं और ये सब कुछ और ये कौन है, तो ये थोड़ा आगे बढ़े तो पीछे से जो इनका पुराना वार्ड बॉय है वो आईसीयू से इनकी आवाज़ें सुनता हुआ बाहर आया और इनको देखा और इनका हाथ पकड़ लिया। अच्छा ये बोलते रहे उसको कि वो देख वो सामने वो ये फलाना ये अंदर कुश्ती चली आ रही है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है यूँ हो रहा है वो है, तो वो इनको खींचता हुआ अंदर आईसीयू में लेके आके चुप करके उसने बिठा दिया और उसने बोला 2 मिनट मतलब मेरे पास हूँ, ये थोड़े से गुस्से हो रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि कोई बाहर का बंदा आके इनके वार्ड्स जो कि इन बंद किए हैं उनको बोला हुआ है कि यहाँ कोई नहीं जाएगा उधर घुसता चलाया, जिस पे वार्ड बॉय ने इनको बोला कि देखो मैं बहुत मतलब वो पुराना था कई सालों से, तो उसने इनको कहा कि मतलब कि ये जो कोविड वार्ड है और बाकी उसके दरवाजे ये होते हैं लॉक और काफ़ी भारी दरवाजे हैं और बंद होते हैं, और इनकी जो चाबियां हैं या जो भी इनकी चीज़ें हैं वो हमारे में से किसी के पास नहीं है, ये लॉक है, इसके अलावा
हमें इजाजत भी नहीं है, और जिन्होंने ये लॉक करवाया है उन्होंने इसको खोलने का कोई हमें ऑप्शन भी नहीं दिया है। तो जो दरवाजा खोल के अंदर गई है वो जरूरी नहीं है कि कोई नर्स ही हो, और इनडायरेक्टली उन्होंने इनको कहा कि जरूरी नहीं कि इंसान भी हो। ये सुन के ये वहीं पे कुर्सी पर बैठ गए और बिल्कुल ही खामोश हो गए, क्योंकि इनको फिर समझ में आया कि वो वैसे ही मशहूर कोविड वार्ड था कि वहाँ अजीब अजीब वहाँ हरकतें होती हैं, और ये मरून कपड़ों वाली चीज़ लाइव देख के ये और परेशान हो गए। अब ये कहते हैं कि वो रात तो जागते हुए गुजर गई, घर जाके भी ये सो नहीं सके, अजीब सी हालत। बहरहाल ड्यूटी पे वापस आए और इग्नोर करके दोबारा ड्यूटी शुरू हुई। तो ये कहते हैं कि एक पेशेंट थी आईसीयू में, और वो बेसिकली मतलब वो हॉस्पिटल ओनर्स की कोई थी, तो उसको ऑल्दो उसके टेस्ट वगैरह सब ठीक थे, लेकिन उसको आईसीयू में रखा होता और ताकि वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर हो। वो खातून वैसे तो ठीक थी लेकिन पूरी रात एकदम से उनको कुछ हो जाता था, वो हंसने लगती थी। अब जो वो पेशेंट थी उन्होंने एक अजीब सा माहौल बना के रख दिया था, और मतलब रात को हंसती रहती थी और अजीब माहौल होता था। अब इन्होंने क्या उस रात क्या हुआ, उसने कहा कि बेड्स 1, 2 एंड 4 के जो पेशेंट्स हैं वो बारी बारी मर जाएंगे। अब ये सुन के मतलब एक परेशानी हुई, लेकिन ऑब्वियसली अजीब बातें, एक माहौल बना हुआ है तो अजीब किस्म का, तो गुस्सा भी आया। लेकिन बहरहाल कुछ उसी रात कुछ कुछ वक्फे के बाद पेशेंट्स ऑफ बेड 1, 2 एंड 4 बारी बारी करके मर गए। अब ये सब कुछ एक स्ट्रेस भी है और ये सब कुछ है, और इनका दिल मतलब हो गया था कि मैं मेरी एक तो यहाँ के लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं कि ऐसा कुछ यहाँ हो रहा है, तो ये कंप्लेन करने का सोच के अपने एक दोस्त को पकड़ के एक साहब के पास चले गए, और वहाँ पे एक सिलसिला शुरू हुआ कि भाई कैमरा फुटेज निकालो, तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ नजर आया, ये वो ये वो। तो निकाली इन्होंने फुटेज, और बाकायदा LCD जो उस पर फुटेज रिव्यू हो रही थी, उन्होंने देखा कि 3:15 के करीब ये कैबिन वाले दरवाजा मतलब से ये अभी बाहर नहीं आए थे, तो जो कोविड वार्ड का दरवाजा था जो काफी भारी था वो खुद से खुला। उसके बाद ये मतलब थोड़ी देर के बाद ये आए और सब कुछ किया और बातें कर रहे हैं, और आगे कोई कुछ नजर नहीं आ रहा, और आगे दरवाजे और सब कुछ हुआ। तो ये जाके क्योंकि इनकी तो पार्टी इस बात पे ली गई थी पिछली रात, तो जाके ये दिखाने के लिए वो अंदर लेके गए, तो डॉक्टर को दिखा रहे थे, तो डॉक्टर ने इनको आईसीयू इंचार्ज वगैरह ने इनको बताया कि मुझे भी एक दफ़ा एक मरून कपड़ों वाली ने कैबिन में लॉक कर दिया था, और मुझे फोन करके बाहर से किसी को बुलाना पड़ा कि मुझे खोलो। और फिर जब इन्होंने बताया कि मुझे भी वही मरून रही लड़की नजर आई थी कपड़ों में, तो बात फिर खत्म हुई। और फिर जो इनके MS थे या जो भी थे उन्होंने बोला देखो कि ये ऐसी फैसिलिटी है कि यहाँ एक्सपायरीज बहुत हुई हैं और होती भी हैं, तो ये सिलसिले होना या ऐसी जगहों पे ज़्यादा होते हैं। और जहाँ तक वार्ड की बात है जो जहाँ पे ये चीज़ लगता है कि ओरिजिनेट कर रही है जहाँ से, उसको भी अब सील करवा दिया जाएगा परमानेंटली। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इसके आगे फिर हम बात करते हैं हमारे दोस्त की, मेडिकल स्टूडेंट की, ये भी अपने कॉलेज के हॉस्टल की बात करते हैं। और ये कहते हैं कि जब मैं इस कॉलेज में आया था तो मैं एक अलग हॉस्टल में था, और
सिमिलर टू द लास्ट स्टोरी, इनका हॉस्टल शिफ्ट किया गया और ऐसा नहीं कि बहुत कोई फासला था, बराबर बराबर एक बना ये वाले हॉस्टल से शिफ्ट करके दूसरे में डाल दिए। अभी इनके एनुअल्स का मतलब सीजन चल रहा था, तो ऐसा मतलब सिलसिला यही था कि जो पुराना हॉस्टल था वहाँ पे जो थे 10-11 महीने से वो बंद पड़ा हुआ था, तो लड़के क्योंकि साइड सी बात है सारे जॉइंट होते हैं, मतलब साथ ही कमरे में 2-4-5 इस तरह होते हैं, तो वो अकेले पढ़ने के लिए कहीं जहाँ पे शोर ना हो सन्नाटा हो तो वो उधर ही जाके घुस जाते थे, खुला हुआ था वो और बैठा के कोई अपना अपना कोई कमरा बना के बैठ जाते थे, वो पढ़ने लगते थे। ऐसा सच कोई मतलब होता नहीं था, और इन लड़कों के अलावा वहाँ कोई जाता भी नहीं था क्योंकि पेपर्स करीब थे, हर किसी को मतलब जिसको कहते हैं ना किताबों में मुंह दिया हुआ था और बस सिलसिला चल रहा था। अब ये कहते हैं कि कुछ आहिस्ता आहिस्ता कुछ अजीब सी हरकतें होने लगी। दो लड़के गए हुए थे और एक रूम में बैठे हुए थे और एक बेड था उस पर बैठे हुए थे और पढ़ रहे थे, और ये कहते हैं कि वो रूम ऐसा था कि मतलब छोटा सा कमरा ही था, तो खिड़की जो थी सामने वो उस ओपन कॉरिडोर में खुली थी जहाँ से ये लोग आए थे, और वही दरवाजे के बराबर में खिड़की थी जो तो वहाँ खड़ा हो नज़र आएगा। तो एक बंदे ने नोटिस किया कि कोई बाहर गेट पे कोई साहब खड़े हुए हैं और वो इनको घूर रहे हैं। तो इन्होंने जब अपने दूसरे दोस्त को अलर्ट किया तो इन्होंने देखा कि वो साहब भी जो हैं जो भी हैं बहुत ही खासिया मतलब ऐसे शख्स आदमी हैं जो कि इस तरीके की रंगत का इतना काला और सब कुछ इन्होंने कभी देखा नहीं अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में। अब ये कहते हैं ये दरवाज़ा जो इनके बेड के को जिस बेड पे ये थे 5 कदम से 6 कदम दूर था, सेकंड में उतर के गए दरवाज़ा खोलने के पूछने के लिए भाई क्या हो गया, तो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था। बहरहाल इसको कोई कोई इग्नोर किया क्योंकि सर पे एग्जाम्स और सब कुछ मेडिकल की पढ़ाई का सबको पता ही है, तो इग्नोर करके अपने कामों में लग गए और कुछ दिन निकल गए। अब ये कहते हैं कि इनके कोई सीनियर इसी तरह के एक और लॉन्डों का ग्रुप था, वो इनके कोई सीनियर आए हुए थे तो ये वहीं किसी पुरानी बिल्डिंग में ही बैठे हुए थे, अपने इनके पुराने रूम था कोई उसी में जाके, तो कहते हैं जी कि वो मेहमान थे और उनके लिए एक मैट्रेस डली हुई थी नीचे और वो लेट गए, और मतलब ये लोग तो अपनी कुछ कर रहे थे कहानियाँ कुछ पढ़ रहे थे कुछ कर रहे थे, तो वो लेटे लेटे सोने लगा। थोड़ी देर में वो अचानक से उठा और सबको डांटने लगा और बोलने लगा बगैर तुम और ये वो तुम्हें मैं आवाज दे रहा हूँ तुम लोग हिले भी नहीं और सब कुछ, तो सब हैरान हो गए कि भाई तुम्हारी तो कोई आवाज़ ही नहीं आई और ये क्या बात हुई। फिर वो बताने लगा कि एक ऊंचा लंबा किस्म का एक आदमी जो बहुत ही डार्क था वो कमरे में एंटर हुआ, मैंने उसको देखा और मैं समझा तुम लोगों ने भी देखा लेकिन वो सिर्फ मुझे दिखाई दिया, मैंने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसने आके मेरा एक तो गला पकड़ लिया और ऐसा मैं हो गया जैसे कि मैं बोल ही नहीं पा रहा, ना बोल सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, और वो मेरा गला दबाना शुरू हो गया और मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। इस वक्त मैं बकौल उस सीनियर के इतना डर गया कि मैं कुछ बोलना नहीं जा रहा कि हिला नहीं जा रहा, तो फिर मैंने आंखें बंद की और 2 मिनट सांस लेके आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की ताकि मेरे ऊपर से वो डर की कैफियत ख़त्म हो, और वही हुआ कि जैसे ही मैंने वो दिल में दोहराना शुरू किया और उसके बाद आंखें खोली तो वो चीज़ गायब हो चुकी थी और उसके बाद ही उठ गए। अब ये कहते हैं कि जनाब इसी तरीके से एक और कोई सीनियर आए थे जो बड़े हट्टे कट्टे थे और वो एक रूम में एंटर हुए तो वो ऐसे हो गए जैसे कि मतलब उनको किसी गायबाना मखलूक ने पकड़ लिया और वो बाकायदा ज़मीन पर बैठ गया और उसने ऐसा कि माफ़ी मांगी तो उसको छोड़ा
और जबकि वो इतना कोई जानदार आदमी था कि इससे ये सब लोग डरते थे, लेकिन उसको किसी ने वहां से डरा के भगा दिया। अब ये कहते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट्स आने लगी कि कोई ऐसी चीज है जिसके लंबे बाल हैं और गोल आंखें हैं और वो भी क्या कहते हैं लाल हैं और उसका चेहरा भी लाल है, ऐसी कोई चीज लड़कों को नजर आने लगी। कहते हैं इन्हीं दिनों में जो एक्चुअल जो हॉस्टल है इनका, जहां ये एक्चुअली इनको शिफ्ट किया गया था, वहां मसले शुरू हो गए कि वहां रात में सबको स्लीप पैरालिसिस शुरू हो गया। एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों को शुरू हो गया और सबकी स्टोरी भी सेम होती थी कि कोई आके रात में सीने पर बैठ जाता है और हम हिल नहीं पाते। अब जो ये लिखने वाले हैं वो कहते हैं जो मेरा रूम था वहां, वो एक कॉर्नर का बड़ा रूम था जहां पे 5 लोग मतलब सो सकते हैं, रह सकते हैं, 5 लोगों के करीब लोगों के या 6 लोगों के लिए वो रूम था। अब ये कहते हैं कि जी एक दिन ऐसे ही हुआ कि मेरे दो जो हैं वो रूममेट सो रहे थे, क्योंकि उस रूम में सिर्फ 3 लोग थे, तो दो रूममेट सो रहे थे और ये जो थे वो भी एक नींद की कैफियत में थे। इन्होंने करवट ली तो इनको ऐसा लगा कि इनके पीछे से कोई चल के गया है। जब इन्हें मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर ऐसा 2-3 दफा हुआ जब ये करवट ली इनके पीछे से कोई गुजरे तो बिल्कुल ये डर गए और आयतें पढ़ी और सब कुछ करके जो है इन्हें फिर करवट ली तो इनको दिखा तो कोई नहीं, लेकिन एक अजीब सी आवाज आई जैसे बत्तख की होती है, लेकिन वो तो एक सिंगल आवाज होती है, वो एक खौफनाक किस्म के लहजे में वो बत्तख की हो टाइप की एक टैंक किस्म की आवाज में कुछ बोला गया इनसे जो इनको समझ में नहीं आया। और ये इतनी उस आवाज से खौफजदा हो गए कि ये बेड से बाकायदा छलांग मार के भागते हुए बाहर कॉरिडोर में निकल गए। इनकी छलांग मार के भागन दौड़ी करने से शोर मचा और ये जब बाहर इधर उधर के भी लोग आ गए तो इन्होंने जब अपनी स्टोरी बताई और वार्डन जो था वहां का बेसिकली बॉयज हॉस्टल का वो भी आ गया, तो ये स्टोरी सुनने के बाद और ये इनको डर इतना गए थे इनको हौसला दिया गया और फिर इनका रूम ही चेंज कर दिया गया कि बस छोड़ो इस कमरे में तुम नहीं सो। अब ये कहते हैं जी पेपर्स खत्म हुए और फौरन से बेशतर सारे लोग अपने अपने घर को चले गए, लेकिन कुछ 3 लड़के थे जो कि सोच रहे थे कि यार हम थक गए, हम कल जाएंगे, आज हम करेंगे रेस्ट। कहते हैं जी रात हुई, ये अपना तरफ कमरा हुआ मतलब लेट गए साहब सोने के लिए, तो विंडो के पास से एक अजीब तरीके से हवा चलने लगी और इनके पास आने लगी और जो कि अननेचुरल थी, लेकिन इन लोगों ने इग्नोर किया और थके हुए थे तो इन्होंने बोला जाने दो भाई और सोने की कोशिश करते। अब ये कहते हैं कि दो लड़के थोड़ा मतलब करीब करीब थे और एक लड़का थोड़ा आगे सो रहा था, तो वो चीखने लगा और हाथ पांव चलाने लगा, तो इसको देख के ये मतलब हैरान हुए, तो एक दूसरा लड़का जो इनके बराबर में लेटा था वो उठ के बैठ गया और उसने उस आदमी का नाम जोर शोर से चिल्लाते हुए उठ के बैठ गया। अब ये तमाशा देख के ये साहब जो हैं जो देख रहे हैं वो परेशान हुए, उनने बोला ये क्या है, तो उसने बोला कुछ नहीं कुछ नहीं, मैंने ख्वाब देखा था और देख के मैं डर गया था इसलिए मैं चिल्लाता हुआ उठा था। अब कहते हैं जी कि रात किसी तरीके से गुजरी, सुबह उठ के इन्होंने जबरदस्ती पूछने की कोशिश की कि भाई ये क्या हो रात में तुम लोगों दोनों ने किया था, ये क्या था। तो कहते हैं मैंने देखा कि मैं सो रहा हूं और मेरे हाथ से कोई चीज टकरा रही है और वो मैं समझा कि तुम हो, तो जैसे ही मैं कुछ बोलने लगा तो उस चीज ने मुझ पर छलांग मार ली और मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं था। कहते हैं जी मैंने फिर आयतें वगैरह पढ़ने लगी, अब एक आदत हो चुकी थी वहां पे, तो उस चीज की ग्रिप मुझसे ढीली हुई और मैं जो हूं वो उस लड़के का नाम चीखता हुआ उठ के खड़ा हो गया। अब ये कहते हैं ये इनके होटल हॉस्टल की कुछ दास्तानें थी जो ये शेयर करना चाहते थे। अब ये बकौल इनके कि ये हाल हो चुका है कि अब रात में अगर कोई बेड हिलाता है तो हम बोलते हैं भाई सोने दे यार, तंग नहीं कर, तो इतनी इम्यूनिटी हो चुकी है।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और होता है भाई, इससे पिछली दफा भी मतलब जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी हॉस्टल की जो स्टोरीज थी वो मतलब आपके सामने ही है, वो भी कुछ ऐसी ही थी। और वही कि एग्जाम्स के करीब कुछ ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं आई गेस, तो ये भी एक वजह है। बहरहाल आगे बात करते हैं। और हमारे दोस्त एक हैं SH, उन्होंने कहा कि बेसिकली जर्मनी से इनका ताल्लुक है। और कहते हैं कि जब ये 6-7 साल के थे तो इनके दो बड़े भाई जो हैं वो मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, मेडिकल में एजुकेशन की। तो घर से थोड़ा सा ही फासले पे मस्जिद थी एक, वहाँ पे खामोश एरिया था तो वहाँ जाके तैयारी करते थे। तो एक दिन इनको भी ले गए, ये कुछ 6-7 बरस के थे। कहते हैं कि सीधा कोना जो था ना, वहाँ एक गोल सीढ़ी थी जो ऊपर जाती थी, तो करने को कुछ नहीं था, वो बेसिकली इमरजेंसी एग्जिट वगैरह टाइप का सीन था। तो ये साथ में गए हुए थे और ये बोर हो रहे थे वहाँ, तो ये ऊपर चढ़ गए। जब ऊपर चढ़े तो देखा कि बहुत इमाम साहब को मिंबर नजर आया, इधर उधर कुछ चीज़ें नजर आई, फिर सीढ़ी दोबारा नजर आई, फिर सीढ़ी के बराबर में एक दरवाजा था, खुला हुआ था। तो वहां राइट साइड पर इन्होंने देखा तो एक बिल्ली बैठी हुई थी और वो बिल्ली बिल्कुल इनको फेस कर रही थी। और मतलब ऐसा था कि भाई आई कांटेक्ट कर रही है। ये थोड़े से डर गए उसको देख के, क्योंकि वो हिल भी नहीं रही थी। तो ये दरवाजा बंद करके नीचे भाग गए। और नीचे जब भागे तो वहां पे एक और दरवाजा था, वो उसको इन्हें खोला नीचे उतर के, तो वो ही बिल्ली सामने थी। ये बिल्कुल डर गए और मतलब वो वाली कैफियत हो गई, गूज बम्प्स हो गए और वीकनेस होना शुरू हुई। तो इन्हें अपने भाई को आवाज़ दी, तो भाई आया और भाई को इन्हें पूरी स्टोरी बताई। और देखा तो भाई ने पहले तो इनको ठंडा किया, उसके बाद बिल्ली को सलाम किया। और ये कहते हैं ये चीज आज तक मेरे जहन में है कि उस बिल्ली ने इनको जवाब दिया उस सलाम का। कुछ सरसरी सी बातें हुई बिल्ली से और इन्होंने फिर वो दरवाजा बंद कर दिया। और कहते हैं जी कि बस उस पे बाद से भी मतलब ये जब बड़े हुए तो नमाज पढ़ने वहां जाते थे, लेकिन वो एक ऐसा इवेंट था जो वहां पे मतलब समझ में नहीं आया। और वही एक बिलीफ था कि भाई जिन होते हैं तो वही प्रूफ हो गया। बहरहाल फिर ये बड़े हुए, इन्होंने भी एक जगह एडमिशन ली और ये PhD वगैरह के लिए की तरफ गए हुए थे। तो मतलब अब ये जो लैब्स वगैरह थे उस यूनिवर्सिटी की, एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी, तो बहुत एक्सपेंसिव मशीन हैं, तो जाहिर सी बात है वो इतनी अवेलेबल नहीं है। तो स्लॉट्स बुक होते थे स्टूडेंट्स के लिए, तो उस पर बैठ के मतलब अपने काम करते थे। और मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती थी, मतलब ये बोलते थे कि 11 बज जाते थे रात के। तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो एक बड़ा हाईली सिक्योर्ड एरिया था और अलग अलग किस्म के वहाँ पर काम होते थे, बकौल इनके कि ये जो है वायरस बैक्टीरियाज वगैरह पे भी काम हो रहा होता था। तो वहाँ बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट किस्म की पॉलिसी थी और शिफ्ट वाइज काम होता था, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। तो एक रात ये मतलब लेट वॉज लेट आई गेस 11 के ही टाइम था, तो ये सर्दियां थी तो बाहर देख रहे थे। तो इनकी नज़र पड़ी तो बड़ा खूबसूरत माहौल हुआ था, बर्फ पड़ी हुई थी, स्नोफॉल हो रही थी। तो ये तस्वीरें वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे ही मतलब नज़र घुमाते 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 इनकी नज़र पड़ी तो एक खातून सफ़ेद कपड़ों में खड़ी हुई थी और ये इनको घूर रही थी। इन्होंने फिर अपना मोबाइल निकाल के मतलब जूम करके उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की, इतनी रात इस एरिया में ये कौन खड़ा हुआ है, लेकिन बहरहाल उसमें कुछ था ही नहीं। और जब कैमरे से हटा के खुद देखा तो तब भी वो नहीं थी। अब इस चीज़ को इन्होंने साइंटिफिकली बहुत चेक किया कि हो सकता है कि कोई रिफ्लेक्शन हो, कुछ हो ये वो। तो इनको कोई समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। तो
इन्होंने अपने एक प्रोफेसर से बात की जो बकौल इनकी एक एथियस टाइप की पर्सनैलिटी है और किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते, तो उनको बोला तो शायद वो कुछ ऐसी बात कहे तो मेरे जहन को सकून मिले, लाइक कोई बोले ना कोई रिफ्लेक्शन होगा ऐसी कुछ, मतलब कोई थ्योरी थ्योरी दे। तो उसने इनको कहा कि लेट यहाँ ना बैठा करो और 8 बजे के बाद मत आया करो। ये सुन के ये और हैरान, कहते हैं 3 महीने गुजर गए और मगरिब के टाइम पे ये लैब में काम कर रहे थे और एक बड़ा केमिकल रूम है, उसका पार्टीशन बेसिकली एक शेल्फ है जिसमें केमिकल्स वगैरह रखे हुए, और इनको ऐसा महसूस होने लगा कि इनको दूसरी तरफ से कोई देख रहा है, और जब मुड़ के देखते कोई नहीं, लेकिन एक दफ़ा मुड़ के देखने में इनको किसी के लंबे बाल नजर आए जो कि लड़कियों के तरीके के थे। उसके बाद ये कहते हैं 1-2 हफ्ते बाद जो मेरी साइड विंडो है लैब में, मुझे वहाँ कोई विंडो से देख रहा था मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं काम छोड़ के उसकी तरफ देखूँ। अब मैंने कहते हैं ये जो रिसर्च कर रहे थे वो जितनी मैं कर सका मैंने की, उसके बाद रिसर्च पेपर जो बनाया मैंने उसी रिसर्च पे किया, इसके आगे मैं वहाँ नहीं गया कोई और काम करने, क्योंकि बज़ाहिर जो चीज़ वहाँ थी उसने इनमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था और ये चाहते नहीं थे कि वो इंटरेस्ट बढ़े। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और ये वैसे जो अप्रोच थी ना कि मुझ में इंटरेस्ट ना लो तो बेहतर है, आई लाइक इट, क्योंकि इससे मतलब पता चलता है कि आप को इतना अंदाज़ा है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ मुझे कंट्रोल में, क्या चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो एक होता है ना फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म कि या तो मैं फटाकर लूँ या मैं भाग जाऊँ। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा टाइम पे क्या करना चाहिए। और बहरहाल आप में लगता है ये चीज़ काफ़ी इफेक्टिवली चल रही है। तो खैर आगे बात करते हैं उसवा साहिबा की, और ये बताती हैं कि ये लोग जब पिंडी शिफ्ट हुए, मतलब इनके फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो इनको कोई गवर्नमेंट खाते वाला घर नहीं मिल रहा था और क्योंकि वेटिंग थी उसके ऊपर, तो इन्होंने नया शहर था इनके लिए, तो इनके वालिद ने कोशिश की कि कोई ऐसी जगह घर लें या कोई मतलब कोई करीब जान पहचान वाले करीब में हो। तो एक इनके थे कोई फ्रेंड या कुछ थे, कोई पुराने सीनियर टाइप कोई शख्सियत थे, उन्होंने बताया कि एक मकान है पहाड़ी पे बना हुआ, तो हम उसकी बेसमेंट पे रहते हैं और आप उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो ले लो, काफ़ी अर्से से खाली है। तो वो वहाँ गए, काफ़ी बड़ा घर था और मुनासिब पैसे थे, तो बात बन गई और बड़े खुश हो गए। मतलब बाहर एक फ्लोर है, क्यारी बनी हुई है, प्लांटेशन है और सब कुछ है, और क्योंकि पहाड़ी कटी हुई थी तो इस तरह बना हुआ था घर, तो ये कहते हैं कि ऐसा था कि जो बेसमेंट वाला एरिया था वो भी उसके पास भी एक लॉन निकली हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली एक साइड से बना हुआ था नीचे की, एक तरफ से तो एंट्रेंस एक ही है लेकिन दूसरी साइड से वो पहाड़ी के लेवल्स बने हुए थे, तो एवरी वन हैड समथिंग। तो ये वहाँ शिफ्ट हो गए। अब ये कहते हैं कि जी घर इतना पुराना था कि पुराने स्टाइलों के घर में होता था कि अंदर खिड़कियां होती थी ऐसे कि दीवारों में, अंदर घर के अंदर भी खिड़कियां होती थी, मतलब एक कमरे के और दूसरे कमरे के बीच में भी खिड़कियां बनी होती थी। तो ऐसे ही उसका स्टाइल था कि जो एंटर होते एक लाउंज बना हुआ था, उसके अंदर जो कमरे थे वो सारे उस लाउंज तक खिड़कियाँ खुलती थी और उस तरह का सिलसिला था। तो सेटअप कुछ ऐसा था कि उसका जो किचन था वो बिल्कुल एंड पे था, और उस किचन के इर्द गिर्द दोनों साइड पे छोटे से स्टोर्स बने हुए थे जो कि बिला वजह या खसूसन किसी वजह से ठंडे रहते थे, जबकि उनमें रोशनदान भी थी, खिड़की भी थी और कुछ भी कर लो वो हमेशा वहाँ एक सर्दी वाली कैफियत ही रहती थी। ये लोग जहाँ रहते थे उन स्टोर्स के पास बराबर में जो रूम था वो एक ड्रेसिंग रूम कह लें आप, और वो जो ड्रेसिंग रूम था उसके मतलब वो अटैच था बेडरूम के साथ जहाँ ये इनके ये बच्चा पार्टी थी, ये थी और इनकी छोटी बहन।
अब वहां जो है क्या कहते हैं रहते हुए मतलब एक अजीब सी फीलिंग आती थी, और ये कहती थी खुद कि जो वॉशरूम अटैच बना हुआ था जिसके साथ में मतलब एक ड्रेसिंग रूम सा छोटा सा बना हुआ था, वहाँ एक ऐसी अजीब सी फीलिंग आती थी कि उस वॉशरूम की तरफ ये देखना भी नहीं चाहते थे बच्चे, और इनकी माम ने वैसे ही इनको मना किया हुआ था कि उधर स्टोर की तरफ जो किचन के पास स्टोर और ये वाला एरिया है इस तरफ नहीं आना, और रात में तो खास कर नहीं आना। और वो दरवाज़ा ड्रेसिंग रूम वाला तो लॉक किया था कि वो दरवाज़ा खोल के बाहर स्टोर था फिर किचन था तो उस तरफ आ ही ना सके। ये चार लोग उस घर में रहते थे, नेबरहुड अच्छा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन इनके हिसाब से घर बहुत बड़ा था। और ये कहती हैं कि मैं फोर्थ ग्रेड में थी तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी और छोटी बहन छोटी थी काफ़ी, इनसे भी 2 साल 3 साल छोटी। अब ये कहती हैं कि पहले वह दिन ऐसा हुआ कि ये सो रही थी और इनकी आंख खुली तो मतलब वही इस तरह खिड़कियां मैंने आपको बताई थी, तो खिड़की से अंदर रोशनी आ रही थी जैसे कि किचन में कोई है और बातें करने की आवाज़ें आ रही है जैसे कोई आदमी औरत या इस तरह का सिलसिला चल रहा है, जैसे हम कि इनकी वालदा शायद खान सामी के साथ बात कर रही है। ये बात हो रही सुबह 8 बजे संडे की, छुट्टी का दिन था सब कुछ था। अब ये वहाँ मतलब सोने में से उड़ गई और मतलब बाकायदा चहलकदमी की आवाज़ें इनको आई और ऐसी आवाज़ें आ रही जैसे किचन में नाश्ता बन रहा है, तो ये फिर कमरे से निकली ये सोच के कि भाई जाके मतलब उनको कुछ बोलें कि नाश्ते का ही वो दे दो। फिर तो वहां जाके जब इन्होंने किचन में देखा तो वहां कोई भी नहीं था, तो सन्नाटा। ये हो गई कन्फ्यूज क्योंकि ये शोर शराबे से उठी थी और वहां कोई नहीं था, तो ये सीधा अपने मामा और बाबा के कमरे में चली गई। तो वहां देखा था वो दोनों बिल्कुल घोड़े भेज के सो रहे थे। तो ये तो एक शौक अजीब सी मतलब शौक हो गया कि ये क्या हुआ भाई। अब हुआ यूं कि इस इंसिडेंट के बाद से भी कहती हैं शाम को और रात को किचन से वैसी आवाजें आना शुरू हो गई कि खाना बन रहा है, बर्तन धुल रहे हैं, और जब भी कोई जाएगा वहां कोई नहीं। तो खैर ये कहती हैं छोटी इतनी थी इन लोगों का इतना इस पर ध्यान किया नहीं, वरना अल्लाह की तरफ से ये एक समझ लेंगे कोई नेमत थी, वरना तो डर के मारे इनका क्या हाल होता। कहते हैं इनकी एक डॉल थी जो कि आधी रात को खुद ही बजना शुरू हो जाती थी, और इनकी वालदा ने एक दिन उठा के वो कि इसमें कोई खराबी है और स्टोर में उसको बंद कर दिया। अभी ये कहते हैं उसी घर में इनके एक फैमिली मेंबर थे, उनको एपिलेप्सी टाइप मसले शुरू हो गए। मतलब वो कहती थी जिसको होता था कि उसको आवाज़ें आ रही हैं, लोग भी नज़र आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो मूव नहीं कर सकती, और डॉक्टर्स कहते थे कि इसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और वो कहते थे ये तो एक स्टूडेंट है जो कि मतलब इतना प्रेशर, और उसके बावजूद भी कोशिश करते थे लेकिन इवेंचुअली मेडिकेशन शुरू करनी पड़ गई। और वो भी एक अजीब सी बात हो गई कि मतलब ये क्या सिलसिला है, और आवाज़ें जो घर में आती थी वो आती रहती, और वो ऐसी हो गई कि कंसिस्टेंट हो गए और सबको पता चल गया कि हम अकेले नहीं हैं। कहते हैं जी गर्मी की छुट्टी आई और ये लोग सब कुछ हुआ, तो इनके फादर थोड़े थे रिलीजियस टाइप, तो उन्होंने मतलब इन सबको दर्स वगैरह के अंदर डाल दिया, कारी साहब घर आने लगे और थोड़ा रिलीजियस रुझान बढ़ गया घर में, और सब तहज्जुद भी पढ़ने लग गए और सब इस साइड पे शिफ्ट हो गए। ये कहती हैं कि वक्त चलता रहा, एक दिन बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी और ये अपनी टेरेस में चली गई देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि जो दरख्त नीचे मतलब क्योंकि थोड़ा पहाड़ी साइड थी तो नीचे की साइड से जो ऊपर आ रहे थे उसमें एक मूवमेंट सी हो रही थी, और ये उनको देखने लगी क्योंकि रात थी, बिजली गई भी थी, और अगेन वही कुछ करने को नहीं था तो बाहर जाके गैलरी में मतलब टेरिस में देख रही थी। जब तो इन्हीं ने कंसंट्रेट किया तो उनको नजर आया कि कोई काला साया है जो कि तेज बारिश के साथ दरख्तों में आगे पीछे जा रहा है। इनकी तबीयत अजीब हुई है देख के, और इन्हें सोचा कि बेहतर है कि अंदर चला जाया जाए, और ये वापस अंदर चली गई।
वह कहती हैं कि इसी तरीके से एक मतलब हालत ये हो गई थी कि एक आवाज़ें आना नॉर्मल था और इस तरह ये छत पे थी और उन दिनों बड़ी चोरी चकारी हो रही थी, तो इनको ऐसा फीलिंग हुई जैसे कि इनके साथ कोई है और इनको घूर घूर देख रहा है। तो ये फौरन नीचे भागी और वो भी शाम का ही वक्त था, क्योंकि तो वही चोरी चकारी का डर था कि शायद ऐसा ना हो, तो भाग के नीचे गई। अब एक दिन इनके दादा दादी आ गए घर पे, तो वो कहीं और रहते थे, वो ये क्योंकि जाते रहते रहते थे, इधर उधर शिफ्ट होते रहते थे। तो वो जब आए तो उन्होंने घर को देखा और बोला कि तुम लोग यहाँ रहते कैसे, लेकिन बहरहाल तुम लोगों को फिलहाल यहाँ कोई तंग नहीं कर रहा। इनके जो फादर थे उन्होंने इनकी बात अपने अपने ही बाबा की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और बात आगे आई गई हो चुकी। मजे की बात ये कहती हैं कि इनके जो फादर थे उनको कभी कुछ फील ही नहीं हुआ, ये सारी चीजें जो फील होती थी ये बच्चों को हो रही थी। और इसी तरीके से जब एक दिन ये अपने कजन्स के साथ बैठे हुए बातें कर रही थी तो हॉरर सब्जेक्ट निकल आया और वो बातें होने लगी। तो इन्होंने जब अपने साथ होने वाली स्टोरियां सुनाई, इनकी बहन बैठी हुई थी और इनकी मामा बैठी थी, इनकी मामा हैरानी से देख रही थी कि तुम्हारे साथ ये होता था, तो उन्होंने बोला हाँ होता था, क्योंकि आपस में इन लोगों ने कभी डिस्कस ही नहीं किया था। तो पता चला उनके साथ भी कुछ होता हो, कुछ ना कुछ होता रहता था और इनके साथ भी होता रहता था। तो इनकी वालदा ने इनको बताया कि जो वजह थी जिसकी वजह से तुम लोगों को स्टोर की तरफ में आने को मना करती थी, कि रोज रात में कोई साया उस वॉशरूम वाली साइड से निकलता था और स्टोर में अंदर जाता था, तो इसलिए वहां पे जाने से तुम लोगों को मना करती थी और कोशिश करते कि तुम लोग जल्दी सो जाओ ताकि उसकी मूवमेंट आने से पहले तुम लोग सो चुके हो। अब ये कहती हैं कि हम लोग उस मतलब वो रिलीजियस भी हो गए थे और इनकी वालदा जो थी एक सफाई फ्रीक भी थी, तो उसकी वजह से ज्यादा कुछ खराबी हुई नहीं और इसी तरह के छोटे मोटे मामला चलते रहे। और फिर वो जब साल 2 साल 4 साल ऐसे ही निकल गए और इन लोगों ने वो जगह छोड़ी, तो उस मतलब उस घर में इनकी एक और भी बहन पैदा हुई और ये लोग वहां से जब चले गए, तो बाद में जब इनसे कभी कोई पुराना नेबर मिलने आता तो वो बताता कि भाई उस घर के अंदर कभी किसी ने बच्चों को खेलते हुए देखा है, कभी किसी ने किसी मतलब किसी गार्ड ने वहां के देखा है, किसी को खड़े हुए औरतों को देखा है वहां पे कपड़े सीते हुए और दीगर अजीबो गरीब काम करते हुए लोग। और वो चीज जो थी वो एक पक्की हॉन्टेड लोकेशन हो चुकी थी। इन लोगों को ये कन्फर्मेशन हुई कि वो जगह हॉन्टेड थी ये सब सुनने के बाद, जबकि इनके साथ हो चुका। और ये कहते हैं कि वो जगह आज भी खाली है और जो ओनर्स हैं वो चाहते हैं कि उस जगह को किसी तरीके से डिमोलिश करके और बिल्कुल नए सिरे से कुछ बनाए, लेकिन वो जगह डिमोलिश नहीं हो पा रही है इनसे। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और बकौल इनके कि उस घर को छोड़ने के बाद जो इनकी फैमिली मेंबर को ये प्रॉब्लम्स होने लगी थी, वो एपिलेप्टिक टाइप फिट्स की, वो खुद ब खुद खत्म हो गई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द स्टोरी एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दी स्टोरीज एंड फॉर ईमेलिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहेंगे, ईमेल करते रहेंगे, आप चलाते रहेंगे। तो ये था 101 नंबर 109। सी यू सून, अल्लाह हाफिज।